हाय दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार नाहक उड़ीसा हसली क्लब से हूँ बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं जो मेरा मुर्गा जो अच्छे से रहते हैं ना, कोई बीमारी कुछ भी, जैसे कि तंदुरुस्त रहते हैं, कुछ बीमारी वगैरह नहीं पकड़ता है, तो उसका एक अलग ट्रिक रहता है। ठीक है, आदमी बोलते हैं कि मेरा मुर्गा को बीमारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई देखो, मैं मुर्गा असली शख से तो रखता हूँ और मुर्गा को मुर्गाबाजी तो अच्छे से रखता हूँ, और ये मुर्गाबाजी में बहुत खर्चा भी होता है। ऐसे रखने से तो जानवर नहीं बढ़ते, उनके लिए हर खाने का किस्म और दवाई का अच्छा अगर रहना चाहिए रहता तो आपके पास कोई बीमारी वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर असली पालना है तो पहले उनका खाने के लिए और दवाई अवेलेबल रखना चाहिए। तो मेरे पास क्या क्या दवाई किस चीज़ के लिए रखा है, मैं थोड़ा बहुत शो कर लेता हूँ और अब दिखा लेता हूँ, शो कर देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी देखिए ये जो फीडर होता है ना, ये देखिए मैं उंगली दिखाया हूँ, ये क्या है ना, ये बड़े वाले मुर्गे को इसमें खाते हैं, इसमें बाजरा वगैरह, गेहूँ, मक्का वगैरह सब डाल देता हूँ। उसमें बड़े मुर्गे का फीडर है और ये डिंकर है जो पानी पीते हैं उसमें से, बड़े वाले का। ठीक है, हो गया। और छोटे चूजे के लिए ये फीडर हो गया, वो डिंकर हो गया। ठीक है, ये दोनों छोटे चूजे के लिए, बच्चे के लिए, और ये दोनों बड़े के लिए। तो इसमें मैं खाना और पानी देता हूँ, मेडिसिन वगैरह जो भी डालना है डाल देता हूँ पानी में मिला के। और देखिए मेडिसिन मेरा देख लीजिए, एक एक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ओसोमिन, जो विटामिन डी डी लिक्विड है, ठीक है, इसमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, और ये हो गया आपका भीमराव। ठीक है, मैं अच्छा से दिखा देता हूँ, देखिए ये हो गया भीमराव, जो ए टू जेड मल्टीविटामिन है। ये दोनों को मिक्स करके मैं पानी में देता हूँ, इसको कंटिन्यू चल रहता है। ठीक है, और एक ये अभी मैं नया लेकर आया हूँ, ठीक है, ये अभी मैं नया लेकर आया हूँ, ये भी पूरा विटामिन का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो, बायवेट पोल्ट्री फॉर्मूला प्लस। ठीक है, ये अभी नया लेकर आया हूँ, 5 ग्राम 5 लीटर पानी से डाल के डेली इसको कंटिन्यू रखना है। ये भी देख सकते हो, ये भूख बढ़ाने में, विटामिन कंट्रोल करने के लिए टॉक्सिलिप बी गोल्ड का है। ये और देख सकते हो डक्स क्रीम, डक्स क्रीम, ठीक है, ये जो सफ़ेद कलर का जो टॉयलेट करते हैं ना, उनके लिए ये दवा पाउडर है। ठीक है, और ये देख लीजिए आप, मेबोंडोजल, ठीक है, एडिब मार्मी के लिए, जो कीड़े हो जाते हैं ना पेट के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा कीड़े वाला दवा, ये भी पाउडर है, डिस्पोजल पाउडर है, पानी में मिला के देना पड़ता है। ये भी हो गया, देखिए ये भी एक एल्बोमार है, जो हर आदमी के पास शायद ये ब्लूल रहता है। ठीक है, ये हमारा एल्बोमार, कीड़ा मारने वाला दवा। ये हो गया लिवर टॉनिक ब्रूटन, ठीक है, भूख बढ़ाने के लिए, डाइजेस्टिव पावर बढ़ाने के लिए लिवर टॉनिक। ये हो गया देखिए आपका डिटॉल, ठीक है, ये हो गया डिटॉल, ये निमोसलाइट पारासीटामोल जो इंजेक्शन है, ठीक है, जो बुखार वगैरह ठंडी वगैरह पकड़ लेता है, तो ये इसको रखा हूँ मैंने। ठीक है, और जो कहीं चोट लग के खून वगैरह बहता ना, इसको देखिए एस्ट्रो बैंडेज वो स्प्रे है, उसको अगर स्प्रे कर देते तो खून तुरंत बंद हो जाता है। और इसको साफ करने के लिए हाइड्रोजन पारऑक्साइड, ठीक है ना, ये भी लिक्विड रखा है, और जो गैस गैस बन जाता है पेट के अंदर, ठीक है, देखिए एंटासिड, एंटासाइड,
जेल, ठीक है, ये पुदीना पत्ते से बना हुआ है आयुर्वेदिक है, उसको अगर वन एम एल पिला देते गैस आएगा ना मुर्गा मुर्गी के अंदर, तो 1-2 मिनट के अंदर रिजल्ट मिल जाता है। ये सबसे अभी जो लेकर आया ना, ये सबसे बेहतरीन मेडिसिन है, ठीक है। आपको इसको मैं एनरा एन देखिए Enrotus BS, ठीक है, ये रानी के चाहे CRDO बहुत हेवी एंटीबायोटिक है। मुंह में पानी आना, नाक से पानी आना और आँख से पानी आना, हर बीमारी के लिए ये बहुत अच्छा बेहतरीन मेडिसिन है। Enrotus BH, एनोफ्लैक्सिन एंड ब्रायमेथिन, ये सब इसमें मिला हुआ है, ठीक है। ये ब्रूटन के साथ मिला के देना पड़ता है। देखिए ये अपना ये हो गया, कैल्शियम इंजेक्शन हो गया, ये न्यूरोकाइन फ्लॉस इंजेक्शन हो गया, ये हो गया अपना टेट्रासाइक्लिन पाउडर, ठीक है, ये हो गया लिक्सेन पाउडर, ये हो गया नेबलोन पाउडर, जो लूज मोशन के लिए नेबलोन पाउडर होता है, ये जो डायरिया होता है एंटी डायरिया के लिए, और लिक्सेन पाउडर तो आपको शायद ज़्यादा आदमी को मालूम हुआ होगा, बहुत हेवी एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन भी रखा हूँ, ठीक है, और ये चोट वगैरह लगने से जो खून बहता है वो प्रोविडेंट बेटानिन लोशन है या ऑइंटमेंट है लगाता हूँ, और ये फेजल फेजल टैबलेट है, जो पेट का पोटा जमा हो जाए, पेट के अंदर कुछ खराबी आता है तो उसके लिए देता हूँ, और ये भी कैप्सूल होता है पाराक्सिम, जो लूज मोशन जो पतला टैबलेट करते हैं ना, इसके लिए कैप्सूल रखा है, और नेरोविन फोर्ट भी रखा, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है, नेरोविन फोर्ट, और अपना ये देख सकते हैं डी कॉर्न, जो कॉर्न कैप्स होता है, जो तल्ली बन जाता है ना मुर्गा के पैर के नीचे, वो ये मैं चिपकाता हूँ, ठीक है, बैंडेज बैंडेज तरह, ये प्लास्टर जैसा आता है उसको चिपका के मैं निकालता हूँ उसको। ये भी देख लीजिए उस सर्जरी किट से मैं है, जो सर्जरी करते हैं, देखिए ये देखिए नीडल देख लीजिए, जो सिलाई किया जाता है सुई है, और उसका कैंची है, ये भी चमड़ा काटने का कैंची भी है। अब ये सुई करने का धागा देख लीजिए। अब किस तरह मेरा फर्स्ट एड किट्स देख लीजिए, ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी को किस मेडिसिन से कुछ पूछना होगा तो नाम में तो बता दिया, वो नाम मुझे लिख के कमेंट करके पूछ सकते हो, क्या मेडिसिन किस चीज़ के लिए रखा हूँ मैंने, ठीक है। अगर ये इतना चीज़ आपके पास रहेगा ना, तो कोई रानीखेत बीमारी और कोई दूसरा बीमारी, जैसे कि अगर टाइम पे आप वो सिस्टम के साथ करेंगे ना, तो कोई रानीखेत बीमारी कुछ भी नहीं पकड़ेगा, आपका जो मुर्गा मुर्गी सही सलामत रहेंगे। और जो वैक्सीन तो आपको मालूम है, वैक्सीन करना पड़ता है, RD वैक्सीन, R2B वैक्सीन करना पड़ता है रानीखेत के लिए, वो वैक्सीन है, वो आपको मैं वीडियो में डाल चुका हूँ पहले से, और आपको तो वैक्सीन लगाना है, वैक्सीन के साथ ये सब चीज़ें आपको घर पे रह के रखना होगा। ये इसमें अगर ऐसे करते हो, इसी तरीका से मुर्गा पालते हो, तो आपको मुर्गा मुर्गी को कोई भी बीमारी भी कभी भी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी रखता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। अब जाने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, अगर बुरा कोई अच्छा बुरा रहेगा तो कमेंट में लिख सकते हो, और ध्यान करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ठीक है दोस्तों, बाय।